जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे अगस्त महीने के सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में। पांच ऐसे सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में जानकारी देंगे जहां पे आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 80 से 90 हज़ार मिलेगी, और साथ ही साथ यहाँ पे 30 से 40 हज़ार वैकेंसी ऐसी है जहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। दोस्तों यहाँ पे याद रखना, अभी 44 हज़ार के करीब वैकेंसी निकली हुई है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में, GDS वाली, उसको यहाँ पर मैं काउंट नहीं करूँगा। उसके अलावा यहाँ पर 30-40 हज़ार के आसपास वैकेंसीज निकली हुई है सीधी भर्ती वाली, अगर उसको काउंट कर लिया जाए, क्योंकि वह भी एक वैकेंसी है और अप्लाई कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो यहाँ पे टोटल मिला के 70-80 हज़ार वैकेंसीज ऐसी होती है जहां पे कोई एग्जामिनेशन नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और ये सारी की सारी वैकेंसीज 30 अगस्त यानी कि अगस्त महीने की वैकेंसीज रहेगी, जिसमें पोस्ट ऑफिस वाली वैकेंसीज की डेट जाने वाली है, तो वो भी मैं आपको इसमें बात करूंगा। उससे पहले मैं बता देता हूं, यहां पे जो ग्राम रोजगार सहायक और ब्लॉक सुपरवाइजर भर्ती वैकेंसी है वो यहां पे निकली हुई है। अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो यहां पे ग्राम रोजगार सहायक ब्लॉक सुपरवाइजर पदों के लिए यहां पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 9,440, जो कि सभी ग्राम पंचायतों में ये एक तरीके से वैकेंसी बनाई गई है ब्लॉक सुपरवाइजर वाली। अभी यहाँ पे अभी रिसेंट में एक यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया था जिसमें ब्लॉक सुपरवाइजर के पदों के लिए वैकेंसी अलग से निकाली जानी थी, लेकिन इसमें साथ में ऐड कर दिया गया है इसको पंचायत सहायक की वैकेंसी के साथ में। और ये वैकेंसी की जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं क्लास पास रखी गई है, तो अगर आपने 12वीं क्लास पास कर रखी है तो आप दोनों ही वैकेंसी के लिए अवेलेबल है, एक तरीके से अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे इसमें वैकेंसी में आप देख सकते हो, जैसे कि सैलरी भी वर्तमान में रोजगार सहायक वालों को 18 हज़ार के आसपास वेतन मिलता है, वहीं सुपरवाइजर वालों को यहाँ पे 20 हज़ार के आसपास वेतन दिया जाएगा। और ये नई वैकेंसी है ब्लॉक सुपरवाइजर वाली, पहली बार भर्ती प्रक्रिया में इसको शामिल किया गया है, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा सैलरी यहाँ पे दोनों में सेम रहेगी, थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है, सुपरवाइजर वाली थोड़ी लेवल फर्स्ट वाली वैकेंसी है। इसके अलावा लेवल 1 लेवल 2 के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है वेतनमान के अकॉर्डिंग, तो वो भी आप देख लेना। साथ ही साथ यहाँ पे इसकी पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां पर भी जाके आप चेक कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता दूं, यहां पे आप ध्यान रखना, ग्राम रोजगार सहायक ब्लॉक सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा के लिए आपकी आयु 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। साथ ही साथ 16/8/2024 से लेकर 18/9/2024 तक आप आवेदन कर सकते हो। तो ध्यान रखना, यहां पे अगस्त से सितंबर यानी कि 18 सितंबर 2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई है, तो यानी कि ये वैकेंसी अगस्त और सितंबर महीने की होती है। आवेदन करना चाहते हो, 9000 से ज्यादा पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है। ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इसमें शामिल हो सकते हैं। वैसे मेनली वैकेंसी पुरुषों के लिए रहेगी, लेकिन महिलाएं भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, ऐसा कोई यहां पर रखा नहीं गया है कि खाली पुरुष ही रखे, पुरुष ही आवेदन करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां पर भी जाके इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हो। इसके अलावा एक और मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, यहाँ पे एक और वैकेंसी निकली हुई है आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से यहाँ पे अभी हाल ही में एक वैकेंसी रिलीज की है, और ये वैकेंसी बम्पर है। मैं पहले ही आपको बता रहा था एक वैकेंसी रिलीज होने वाली है, यह वैकेंसी 33,544 पदों पे सुपरवाइजर क्लर्क आशा सहयोगिनी सहायक सहायिका इसके अलावा पर्यवेक्षक, ये आप देख सकते हो पूरी लिस्ट, जिसमें कि अलग अलग 13,681 जैसे कार्यकर्ता के हैं, हेल्पर के 8,000 के करीब, 7,000 के करीब पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर के, और सहयोगिनी के 4,052 पद है। टोटल मिला के ये 2024 की बम्पर वैकेंसी आप मान सकते हो, जो कि 25 जनवरी तक यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 24 से 25 तक ये एक तरीके से वैकेंसी का ये रखा गया है ईयर, तो यहाँ पे फुलफिल कर ली जाएगी 25 से पहले पहले। इसके अलावा यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, कार्यकर्ता की पोस्ट के लिए 10th क्लास पास होना आवश्यक है, वहीं हेल्पर के लिए 5वीं क्लास होना आवश्यक है। यहाँ पे महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। सुपरवाइजर पद के लिए 12वीं क्लास, वहीं आशा सहयोगिनी के लिए 8th क्लास पास। अगर आपने 12th कर रखा है तो आप ये जो भी वैकेंसीज है उनके लिए आवेदन कर सकते हो, एक तरीके से एलिजिबल हो। साथ ही साथ अभी वर्तमान में क्या वेतनमान चल रहा है इन सभी वैकेंसीज़ का पदों का, तो वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जैसे कि कार्यकर्ता का यहाँ पे 14-15 के आसपास रहता है, जो कि किसी स्टेट में रूरल में यहाँ पे 13 के आसपास भी आपको देखने को मिल सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी वैकेंसी कहाँ फुलफिल हो रही है, कहाँ आपकी ज्वाइनिंग लग रही है, तो उसके आधार पर ये सैलरी डिसाइड होती है। फिलहाल मैंने जो ये सैलरी बताई है आपको, वो सैलरी एक तरीके से एक्सपेक्टेड मान के चलिए कि इसके आसपास आपकी सैलरी रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पे इसकी जो
ऑफिशियल वेबसाइट है wcd.nic.in पे आप 18/9/2024 से पहले आवेदन कर सकते हो। तो यह भी अगस्त महीने के लिए वैकेंसी रहेगी, यहाँ पे अगस्त से सितंबर एंड तक यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। इसकी जो एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट है वो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा सुपरवाइज़र के पद के लिए। अभी यहाँ पे सबसे लास्ट में मैं आपको एक ग्रामीण डाक सेवक, जो कि मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ 44,000 से ज़्यादा पदों पे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे दूंगा आपको। यहाँ पे ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM और ABPM वाली वैकेंसी की जो डेट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो 5/8/2024। तो फिलहाल अभी जब आप वीडियो देख रहे हो 5/8/2024 नहीं हुई है, आप आवेदन कर सकते हो। इसकी डेट पोस्टपोन सॉरी यहाँ पे एक्सटेंड भी की जा सकती है, और अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए एक तरीके से मान के चलना, अगर आप आवेदन कर दिए हो तो एग्ज़ामिनेशन बिल्कुल नहीं होगा, खाली यहाँ पे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होना है। और यहाँ पे इसकी कट ऑफ कितनी जाती है उसके बारे में भी मैं विस्तार पूर्वक यहाँ पे चर्चा करूँगा। और ध्यान रखना, ये वैकेंसी अगर आपने भरती है तो यहाँ पे डिपेंड करता है आप किस एरिया से किस जोन से अप्लाई करे हो, 12,000-10,000 के आसपास यहाँ पे सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग की, ये आप ध्यान रखना, जो कि प्रोबेशन के बाद में अच्छी खासी सैलरी इसमें हो जाती है। 18 से 40 साल के बीच में अगर आप हो तो 3-4 साल आराम से निकल जाती है, 20-22-23 साल के बाद में आपकी अच्छी खासी सैलरी होना स्टार्ट हो जाएगी। क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिंपल सा है, इसमें 10th स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, यानी कि 10वीं क्लास पास है, तो उसके आधार पर ही यहाँ पे इसमें चयन किया जाएगा। मैं आपको एक मेरिट की तरफ लेके चलूंगा आपको कि कितनी मेरिट जाती है इसमें, और ये स्टेट वाइज वेरी करती है, ध्यान रखना स्टेट कौन सा है उसके आधार पर। इसमें आपको आगे चल के कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, साइकिलिंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसमें वर्क जो होता है वो साइकिल के द्वारा किया जाता है, डोर टू डोर जो भी मेल पहुँचाने का कार्य होता है, या फिर इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंटेशन का कार्य होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे इस वैकेंसी को बताने का मेरा यही उद्देश्य है कि आपको मैं अवगत करा दूँ, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस विभाग की तरफ से 44,000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप अभी भी आवेदन नहीं करे हो तो आवेदन कर लीजिए, लास्ट डेट यहाँ पे आ चुकी है, मॉडिफिकेशन वाली डेट शुरू हो चुकी है। इसकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, जैसे कि यूपी, गुजरात, कर्नाटका, केरल, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, झारखंड, ये सारे स्टेट आपके सामने गिवन है। तो यहाँ पे ये जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कट ऑफ, ये पिछली बार की जब वैकेंसी खाली 25,000 के आसपास थी, 20-25,000 के आसपास, और ये जो मेरिट लिस्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये मेरिट लिस्ट है दूसरी या तीसरी, जहाँ पे कट ऑफ देख लीजिए कितनी कम हो गई थी ST SC वाली कैटेगरी में अगर बात की जाए। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेरिट लिस्ट के बारे में, तो ये मान के चलना टोटल नंबर ऑफ मेरिट लिस्ट 10 से 11 प्रकार की निकाली जाएगी। अभी तीसरी मेरिट लिस्ट में ये हाल है, तो आप आराम से मान के चलना अनरिजर्व्ड OBC वाले 70% के आसपास भी है, तो बिल्कुल सेफ है, आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अगर कर दिया है तो निश्चित होकर बैठिए, आपका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस है अगर आपने यहाँ पे ये आवेदन कर रखा है तो। ध्यान रखना नीचे अपना नाम कमेंट करना, और उसके साथ में अपने मार्क्स और अपना स्टेट का नाम भी मेंशन करना, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि आपके कितने कट ऑफ परसेंटेज बन रहे हैं, और क्या आपको मतलब एक तरीके से एक आइडिया भी हो जाएगा कि उस स्टेट में बच्चों के एक्सपेक्टेड जो एवरेज मार्क्स है वो कितने आ रहे हैं। तो आप अपने नंबर, अपना नाम और अपना स्टेट जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, तथा साथ ही साथ ध्यान रखना दोस्तों इस वैकेंसी की, यानी कि पोस्ट ऑफिस वाली GDS वाली जो वैकेंसी है, इसकी पल पल की न्यूज़ हम आपके साथ में अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।